नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस में। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि दिव्यांग के लिए विशेष सूचना, एक नया कदम, एक नई श्रृंखला, कट ऑफ सीरीज, है ना। पहले थंबनेल पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। पेज कॉम्पिटिशन कैंडिडेट्स मतलब क्या है कि हमारे चैनल VM क्लासेस पर है एक नई श्रृंखला, एक नया कदम, एक नई पहल चला रहे हैं। नाम रखा गया है कट ऑफ सीरीज, और ये दिव्यांगों के लिए है। मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कई भाइयों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अब हम एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं हमारे चैनल पर। सीरीज का नाम है कट ऑफ सीरीज, अर्थात राजस्थान सरकार द्वारा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के संदर्भ में, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेबस 10, LDC, जितने भी एग्जाम होते हैं, संगणक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, कंप्यूटर, है ना, LDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी सरकारी एग्जाम करवाए जाते हैं, उसके बाद कट ऑफ निकलती है कि कितने मार्क्स आए और कितने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कितने मार्क्स पर। जैसे 125 LD कैटेगरी में आए थे, तो 125 वाले का रिट का हमें जो है सिलेक्शन हुआ था। दिव्यांगों की ही बात कर रहा हूँ मैं, अन्यत्र जो भाई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान कंपटीशन एग्जाम में जो मेरिट जाती है, अंतिम कट ऑफ जाती है दिव्यांगों की, उसके हम श्रृंखला जो है चला रहे हैं। कहने का मतलब किस कंपटीशन एग्जाम में दिव्यांगों की फाइनल कट ऑफ कितनी गई उसकी हम बात करेंगे, यानी हम सीरीज वाइज एग्जाम वाइज जो है वीडियो लाते जाएंगे, है ना, कि रिट में कितनी गई, ऐसे करते करते मैं वीडियो लाने वाला हूँ। बस ये छोटी सी बात थी, ठीक है ना साथियों। मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ इस बात को, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई ये श्रृंखला हम क्यों चला रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। दिव्यांगों को तो फायदा तो है ही नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मान लो, तो उसका आप वीडियो देख लेंगे कि पिछली बार, और हम जो बात करेंगे वो पिछले बारों की बात करेंगे, यानी पिछले गत वर्ष में कितनी गई थी, खास करके उसके, हालांकि हम दूसरे 4-5 साल पहले भी चले जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन किस वर्ष में दिव्यांगों की किस एग्जाम में कितनी कट ऑफ गई थी उससे आप अंदाजा लगा सकते। जैसे रीट लेवल फर्स्ट की बात करें तो 2021 में जो इसकी पिछले वाला एग्जाम हुआ 125 रीट कट ऑफ गई थी, तो हम इसके हिसाब से तैयारी कर सकेंगे कि अच्छा 125 मेरिट गई है तो हमें तैयारी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि किस साल में दिव्यांगों की कितनी कट ऑफ गई थी, ये इसका उद्देश्य है। फायदा क्या होगा, फायदा हम ये देख लेंगे कि अच्छा हमारे इतने 125 पर मेरिट गई थी, अब की बार 130 चली जाएगी तो हमें 130 के हिसाब से तैयारी कर सकेंगे, है ना। हमें एक अनुभव हो जाएगा, एक पकड़ में आ जाएगी तैयारी करने का वो अंदाजा कि कितनी कट ऑफ कितने में जाती है। जैसे हम पटवारी की बात करेंगे, हम वीडियो की बात करेंगे, हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में दिव्यांगों की कितनी कट ऑफ जाती है उसकी सबकी वीडियोज वाइज बात करेंगे। तो ये श्रृंखला आपको कैसे लगेगी, मेरा विचार कैसा लगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो लाने वाला हूँ मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत किसकी कट ऑफ गई थी दिव्यांगों की, बस ये जानकारी थी मेरी साथियों, ठीक है ना साथियों।